वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पास्ता देसी स्टाइल में, और पर होगा ये बहुत ज्यादा टेस्टी। एक बार जरूर बनाइएगा इस तरीके से जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में पानी को रख दिया है बॉयल होने के लिए। मैंने इसमें 600 ml पानी लिया है और मैं ये पास्ता यूज करूंगी इसके लिए। अभी हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे, तब तक मैं इसमें पानी में नमक ऐड कर देती हूँ। जब तक पानी में उबाली आती है तब तक हम आगे का जो तैयारी है वो करते हैं पास्ता बनाने की। ये देखिए, इसमें उबाली आ गई है, गैस को मैंने लो कर दिया है, गैस का फ्लेम। अब इसमें मैं मेरा पास्ता डाल दूंगी। मैं ये वाला पास्ता यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो मैक्रोनी यूज कर सकते हैं इसमें। गैस का फ्लेम तेज कर देती हूँ ताकि इसमें एक बार फिर से बॉयल आ जाए, और फिर इसको 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक हमारा पास्ता पक ना जाए। हम बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे कि ज्यादा भी ना पक जाए। इसको बीच बीच में हमें चलाते रहना पड़ेगा ताकि ये नीचे ना लग जाए, तो इसको चलाते रहिएगा बीच बीच में। देखिए गाइस, ये पास्ता पक चुका है मेरा बहुत अच्छे से, मतलब जितना मुझे चाहिए उतना ये पक चुका है। गैस का फ्लेम लो करते हैं, इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ दूसरी गैस पे, मतलब साइड पे रख देती हूँ क्योंकि अब और नहीं पकाना इसे। इस पास्ता को हम छान लेंगे, मैं छान रही हूँ इसे। इसको ठंडे पानी में डालने की जरूरत नहीं है, बस इसको छान लेते हैं। अब इस तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है जिसमें हम बनाएंगे हमारा पास्ता। मैंने इसमें तेल डाल दिया है कढ़ाई में, आप चाहें तो मैंने नॉर्मल ऑयल यूज किया है, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी गार्लिक जो कि मैंने बारीक बारीक काट रखा है। इसको 2 मिनट पकने देंगे। गार्लिक पक चुका है, इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना। अब इसमें मैं डाल दूंगी सब्जियां। इसको चलाएंगे, अपनी पसंद से आप कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो पास्ता में। अब इसमें ऐड करूंगी मैं चिली फ्लेक्स। अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये पिज्जा सीजनिंग, ऐड करूंगी मैं इसमें, सॉरी, पिज्जा सीजनिंग ऐड करेंगे इसमें। आप चाहें तो खाली ऑरेगानो भी ऐड कर सकते हैं। चला लेंगे इसे, इसको 1 मिनट पकाना है हमने, ज्यादा नहीं पकाना, बहुत ज्यादा हल्का क्रंची क्रंची सा है, इतना पकाना है हमने इसे। इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने पास्ता में भी नमक डाला था। अब इसको चला लेंगे एक बार। मैंने इसमें 2 टमाटर पीस लिए हैं, आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, वो डाल देंगे।
इसको पकाएंगे। इसको हमने अच्छे से पकाना है। अब इसमें मैं साथ ही डाल दूंगी केचप, कोई भी केचप ले सकते हैं आप। इसको चला लेंगे और इसको हम अभी पकने देंगे। टमाटर पक गया मेरा अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे ये पास्ता जो कि हमने उबाल के पहले से रखा हुआ है, और इसमें इसका पानी पूरा निकाल दिया था। गैस को कम कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको 2-4 मिनट हम ऐसे ही पकाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 मिनट पकाएंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा चीज, आप चीज स्प्रेड भी ले सकते हैं, मेरे पास प्रोसेस चीज था तो मैं वो ही यूज कर रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, और साथ में थोड़े से इसमें चिली फ्लेक्स और डाल दूंगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स ज्यादा मत डालिएगा, अगर बच्चे ज्यादा तीखा नहीं पसंद करते। इसको मिक्स करेंगे 2 मिनट और, चीज के मेल्ट होने तक। गाइस, पास्ता बनके रेडी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको खाने का वेट नहीं कर सकती, पर उससे पहले मैं आपको इसे निकाल के दिखाऊंगी। और इसको हम गार्निश करेंगे हरे धनिया से, फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर लीफ से इसको अच्छे से गार्निश करेंगे। देखने में ये बहुत कलरफुल लगे और सुंदर लगे इसलिए, और धनिया से एक फ्रेशनेस भी आ जाती है किसी भी खाने में। तो अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। गर्मा गर्म देसी स्टाइल में ये हमारा पास्ता बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।